ooh बैक ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और मुझे बात करनी है खत्म नबूत के हवाले से बड़ी प्यारी मेरे दिल के करीब शख्सियत जिनका मैं तारुफ क्या करवाऊँ वह अपना तारफ़ खुद हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मौलाना अब्दुल मनान रासिक साहब आलम दीन हैं दीन के दाई हैं दुनिया भर में इनका ट्रैवल दीन के हवाले से होता है किताबें लिखते हैं दीन के हवाले से रहनुमाई देते हैं इनको वार्मली वेलकम करेंगे सर असल आप से हैं दुआएं सर आपकी माशा नहीं सर डेफिनेटली हम गुफ्तु करेंगे और डिटेल में करेंगे चंद लाइनों की मुझे इजाजत दीजिएगा आगाज में बिस्मिल्ला। फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ जी अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई और रुश्तो हदायत के लिए अम्बह कराम का सिलसिला शुरू किया जिसका आगाज हजरत आदम की जात से होता है और इसका अख्ताम महबूब करीम सल वसलम की जत अगद पर होता है आप शज नबूत के आखिरी फल और कसर नबूत की आखिरी ईंट है रब कायनत की तरफ से इंसानियत की रुश्त और हदायत के लिए मावूस करदा आखिरी नबी और रसूल हैं। लिहाजा खातिमन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम का आफ्ताब रसालत क्यामत तक के लिए पूरी इंसानियत को अपने नूर नबूत से मुनवर करता रहेगा हज़रत अबू हुरैरा रज़ील्ला तू से रवायत है कि नबी मक्रम सल्ला वसलम ने शाद फरमाया मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने बहुत हसिनो जमील एक घर बनाया मगर उसके कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी लोग उस घर के गर्द घूमने लगे और ताजुब से ये कहने लगे कि उसने ये ईंट क्यों ना रखी आप सल्ला वसलम ने फरमाया कि मैं कसर नबूवत की वो आखिरी ईंट हूँ और मैं ख़ातिनबीन हूँ इस गुफ्तु का आगाज़ करते हैं सर की जानब चलते हैं सर आगाज़ में अक़ीद ख़त्म नबूत की अहमियत और हैसियत के बारे में तमहिदी तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपने बहुत ही शानदार मौजू का आज किया है थैंक यू सर अल्लाह तबारक वाली हम सब को ख़त् नबूत के तहफ़ के लिए दफा के लिए कबूल फरमाए आमिर देखिए ये जो अकीद ख़तम नबूत है पहली बात यह है ये बड़ा मुक़दसनवान है और ये दीन की असल इस है और ये दीन का असल तशखस है और यही दीन का हुसन है माशा अगर आपने तोजो दी है तो असल में कहना है मैं ये चाहता हूँ कि अगर अकीद ख़तम नबूत नहीं है यानी अगर आप इस बात के कायल नहीं हैं जी कि हाँ जनाब सल वसम हज़रत महमद रसूल अल्लाह के आखिरी नबी हैं रसूल हैं तो गोया कि आपने दीन की इस बेस बुनियाद ही खत्म कर दी है इसका तश्स ही ख़त्म कर दिया इसका हुसन ही ख़त्म कर दिया जैसे रसूल पाकलात को अल्लाह का नबी और रसूल मानना ज़रूरी है जी। इसी तरह आपको आखिरी मानना भी ज़रूरी है ये जो अकद ख़तम नबूत है ए नज़ामी साहब ये बुनियादी तौर पर कुफर और इस्लाम में हद्द फासिल है जब आपने ये तस्लीम कर लिया और कह दिया कि आपके बाद भी किसी पर फ़रिश्ता आता है वही आती है अल्लाह ताला हम कलाम होते हैं और अभी भी कोई दीन का सिलसिला बाकी था जो आपके बाद भी पूरा होने वाला है तो आपने एक नया सेटअप खड़ा कर दिया अल्लाह ख़ुद को आप एक नई उम्मत में ले गए एक नए ग्रोह में ले गए तो दीन में कुछ बचा नहीं अगर आप सादा लफ्जों में मुझसे पूछें तो दीन इस्लाम अकीद ख़तम नबूत है और अकीदा खत्म ये यह दीन इस्लाम है अल्लाह ये है हैसीयत और अहमियत है अल्लाह यानी सब कुछ इसी में ही पहना है जैसे आपने फरमा दिया ठीक है अच्छा सर ये बताएगा कि अकीदा ख़त्म नबूत पर कुरानी आयात तो आपको मुझसे बेहतर पता है बहुत है बस मैं चाहूँगा कि चंद एक बयान करते हैं ताकि अकीदा ख़त्म नबूत जो कुरान से भी वाज होता है वो भी हमारे सामने आए देखें रसूल रहमत अलात सलाम के आखिर नबी होने के सरहन दलायल भी क़ुरान में हैं और इशारतन भी हैं जब आप आगाज़ में सरह फातिहा पढ़ के सरह बकर शुरू करते हैं तो आगे आता हैदी मिन नबिल भी वय़ीम सौलाता वम्मा रज़क्नाम्फ़ून व्लीन मिनिमा ज़िला इले का व ममजिलान कब्लिक व बिल आख़िरत हम जी मतकीन लोग वो हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं और सदक़ात व ख़ैरात और, और ज़क़़़़़त का अहतमाम करते हैं फिर हमारे वल्लिन युनूना बिमा उन ज़िला उस पर ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल हुआ जी व मा उन जिला मिनबलिक और जो आपसे पहले नाजिल हुआ आगे आख़रत का जिक्र है विल आख़िरत हम युकिन और वह आख़रत पर यकीन रखते हैं यानी हमने रसूलुल्लाह पर ईमान रखना है और जो रसूलुल्लाह से पहले रसूल गुजरे हैं उन पर ईमान रखना है उसके बाद आखरत पर यकीन रखना है किसी की नबूत पर यकीन नहीं रखना अल्लाह अकपर अल्लाह अकपर बिमाज़िलान कबल ये नहीं है ममा जिला अमिन बाखे तो ये भी अकीद नबूत की तरफ इशारा है फिर देखें अल्लाह ताल शात फरमाते हैं भेजा गया ह� खुश देने के लिए और डराने के लिए जन्नत के करीब करने के लिए जन्म से बचाने के लिए ए मेरी बशारतें और मेरे डरावे काफ़ी हैं और मैं पूरी इंसानियत के लिए काफ़ी रसूल बना कर भेजा कहा काफ़तनासास अब देख आता ना है ना आबकाफ़िन अबदा अगर अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह ताली की ज़ात काफ़ी है मुश्किल कुशाई के लिए तो रसालत नबूत के मनसब के लिए अब रसोल्ला की आमद काफ़ी है फिर इसी तरह वमार सलना का इला रहमत आलम जब आप पूरे जहानों की रहमत है तो इस रहमत के बाद हम किसी जहमत की तलाश में क्यों हैं अल्लाह अल्लाह और इससे बढ़ कर यह बड़ी मरूफ़ रवायत है माकाना महमद मर जल्क वाला के रसूल अल्लाह ख़ातम अल्लाबी आप अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातम ख़ातनबीन है ख़ातम का मन सबसे पीछे आने वाले या खातम का माना है ख़त्म करने वाले या बाज़ इसका माना कहते हैं बेमजिला मोहर यानी आप सिलसिला नबत और रिसालत की मोहर हैं आपकी आमद पर अल्लाह ने नब औरत मोहर सबद कर दी इसके बाद कोई नबी नहीं है अब ये ख़ातम नबीन पर आप मुफसरिन को उठा लें मुहदसिन को उठा लेंमाए ले, उम्मत को उठा लें सब ने यही माना किया है कि इससे मुराद यह है कि आपकी नबूबत और इसालत आखिरी है और आपके बाद नजूल वही का दरवाजा बंद, बंद है किसी पर कोई फरिश्ता नहीं आता और कोई वही नहीं उतरती अच्छा सर ये कुरान के हवाले से जहाँ पर जिक्र हो रहा है तो फिर लगे तो अदीस के हवाले से भी बता दीजिए कि जहाँ हमें बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं बचती बिल्कुल वाज हो जाए लेकिन ये ऐसी तो बेशुमार बेशुमारवायात हैं बुखारी मुस्लिम में हैं दर्जनों रवायात हैं जो अकीदा अकीद नबूवत को बयान करती हैं उनमें से एक बड़ी मरूफ़ रवायात है रसूल रहमत ने इरशाद फरमाया कानत बनू इसराइला तसूस हमलाम्बिया कुल्ला मल का नबी ख़लफ नबी कि बनी इसराइल की सियासत अम्बिया करते थे जब एक अल्लाह के नबी दुनिया से चले जाते तो उनकी जगह पर दूसरे आ जाते फिर रसूल रमत सलाम ने फ़रमाया कि अब मेरे बाद नबी नहीं है जी ला नबी या आबादी सैकून खुलाफ़ा मेरे बाद नबी नहीं है अलबत् खुलाफा होंगे निज़ामी साहब आप मुझे बताएं, ये बुखारी मस्लम की रवायत है जब रसूल पागल सल्लम ने यह कह दिया कि मेरे बाद नबी नहीं है खुलाफ़ा होंगे अब कोई गुंजाइश बाकी रहती बिल्कुल नहीं बजती बिल्कुल नहीं बजती फिर रसूल रामद्लम ने गब तबू के मौका पर जब सैद्ली को मदीने में छोड़ा तो आप कहने लगे जी आप मुझे यहाँ छोड़ के, के जा रहे हैं तो तख्लिफुनी फिन फिनसाईव से भी औरतों में और बच्चों में छोड़ के जा रहे हैं तो ने फ़रमाया कि आप बिल्कुल मेरे बाद ऐसे ही हैं जैसे मूसा के लिए हारून थे तो मेरे बाद ला या बात ही यहाँ भी आपने कहा कि मेरे बाल कोई नबी कोई नबी नहीं अब इस मौका पर आपका ये इरशाद फरमाना क्या कोई गंजाइज छोड़ता है फिर अभी आपने एक रवायतर पड़ी है कि आपने फरमाया मेरी और पहली अंबिया की घर बना बनाया इल्ला एक ईंट की जगह उसने छोड़ दी यानी आबलेत ने अपने फरमुदात से भी इसे को वाजे कर दिया और मिसालें देकर भी वाज कैसी खूबसूरत आपने मिसाल दी है एक महल के साथ तो इस तस्वीर के बाद और इस मिसाल के बाद मैं तो कहता हूँ कि कोई गंजाइश नहीं बाकी रहती आपने फरमाया अनल लाबी मैं वो ईट हूँ या अन माओजीलावीना मैं उस इंट की जगह हूँ फिर राब् ने फ़रमाया कि मेरे बाद जूठे होंगे दज्जाल होंगे कज़ाब होंगे जो झूठ बोलेंगे नबूत का दावा करेंगे तो आपकी ऐसी भी कई एक रवायात मौजूद हैं फिर आपने फ़रमाया का दिन का तत्न नबूआा व रिसा फ़लाँ रसूल आबादी वला नबी आबादी नबूत व रिसाल के सिलसिले सारे मुन हो गए मेरे बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है आना आखिरबिया व तुम आखिर मैं आखिरी नबी हूँ आप आखिरी उम्मत हैं उम्मत है। तो इस तरह की दर्जनों रवायात हैं दर्जनों रवायात हैं जिसमें सराहतन रसूल ने अकीद ख़तम नबूत को बयान किया है ठीक है अच्छा सर अक़ीद ख़तम नबूत की जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में यह भी आ रहा है कि हम सब कराम के हवाले से उनका नुकतः नज़र क्या था वो भी हम जान लें देखिए जी उनका नुकतः नज़र वही था जो कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया क्योंकि वो तो कुरान वाले थे जी तो जो रसूल अल्लाम ने फरमा दिया चूँकि वो रसूल वसम की हदीस वाले थे तो वही नुक़ँ नज़र है बल्कि अगर आप नज़रानसाफ़ से हबा क्राम का नुक़ँ नज़र जानना चाहें तो इस बात पर सहाब रसूल का और ताब का सलफ साल इनका इजमा है कि रसूल पाकसलात इस्लाम के बाद किसी दूसरे की नबूत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता बकर सिद्दीक बकरीक रज़ील्ला हो तों होने जो मुसैिल्म कजाब के साथ जंग के लिए फ़ौजी रवाना किए थे वो सयाबा की मशावरत के बाद ही किए थे उसको जहन्म वासिल किया था उसने नबूत का दावा किया था तो हज़रत अबू बकर अद्दीक़ रजील्ल्ह् तन्ों का मौक़ सामने आया कि उन्होंने मुद्द नबूत को जहन्म वासिल किया जी हज़रतमर रजी अल्लाह तुम ने खुले अल्फाज में ये बात कही थी कि देखो भई अब यह नबूत और इसाल का ज़माना नहीं है जब नबोत और इस के ज़माना में कोई ख़राबी करता था तो अन अल्लाह ताला वही नाजल करके उसको नंगा कर देते थे उसका मामला खोल देते थे तो अब चूँकि वही के सिलसिले बंद हो गए हैं का दिन क़ा अलवा यू तो सही रजी अल्लाह को मौका भी सामने आ गया कि वही का सिलसिला मुनकते है एक दफ़ा गलबन सईदन अबू बकर रजी अल्लाह तईदर को कहा चले उम्मन के पास चलते हैं तो जाकर रसूल से उनकी बातें पूछते हैं उनके साथ आपका वक्त गुजरा है तो बातें होती रहीं तो बाहर सूरत सईद अमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाने लगीं कि जहाँ और कई बरकतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद चली गई हैं वहाँ एक है ये बहुत बड़ी बरकत है कि इन्नल वहिया कदिन का मिन अब आसमान से वही का आना ये मुनक़ हो गया ख़त्म हो गया खत्म हो गया, खत्म हो गया। यही सैदा के बारे में आता है कि हम आखिरी उम्मत हैं रसूल पाक अल्लाह के आखिरी नबी हैं यही अल्फाज में हज़रत बिन बनगजवान के बारे में आता है यानी अब कोई भी एक सिहाबी ले हैं, तमाम सिबा का बिलजमा अकीदा है कि रसूलुल्लाह के, रसूल के बाद तो तसवर भी नहीं है ठीक है आ, सर जैसे आप गुफ्तु करें तो एक क्वेश्चन ये भी जहन में आता है कि अक्सर जब ऐसी गुफगू हो रही हो तो इस तरफ भी बात आ जाती है कि नबी मक्रम सल्ह वसलम के बाद नबूत का सिलसिला ख़त्म है जिसपे हमारा ईमान है कामिल ईमान है ऐसा क्या है कि उनके बाद अब नबूत का सिलसिला ख़त्म है अकली फ़लसफ़ा इसमें क्या है समझने की चीज़ इसमें क्या है जाम साहब अगर कोई समझना चाहे तो देखें एक मोटी सी बात है आप अकली और मनती और फलसाना अंदाज़ में कुरान दिसर करें तो मुझे आप बताएँ कि अलियो मकमल तो दी कम वतम तोमस्म दीना जब अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया दीन कामिल है दीन मुकम्मल है जी। दीन अकमल है तो दीन की अकमलियत के बाद क्या किसी नबूवत की जरूरत रहती है उसके बाद तो नहीं रहती इवाने जब... सदर से लेके वॉशरूम तक के तमाम अहकाम आपको दीन ने दे दिए मजीद अब किस चीज की गुंजाइश रहती है यानी अगर आप अकली तौर पर भी गौर करें कि थोड़ी किस चीज की है जी। जरूरत किस बात की है और जिस जिसने भी अगर दावा किया है तो मुझे बताएं उसने लोगों को सवाय गुमराई के दिया क्या है उन्हीं से रिलेट करता है ये सवाल यानी जिसने भी ये दावा किया है ना जाम साहब उसने दीन के साथ खिलवाड़ तो किया है मन चाहिए तफसीर तो दीन की की है और अपने आप को एक जिंदगी साबित तो किया है कुरान और हदीस के नसूस के साथ तमाशा लगा कर उम्म को दिया कुछ नहीं है तो जब दीन मुकम्मल है कामल है तो हमें इस पर अमल करना चाहिए दूसरी बात यह देखें आ, असल जो किताब है क़ुरान पाक ये मुहर्रफ भी नहीं है ये मुबदल भी नहीं है ये ग़ायब भी नहीं है यानी कुरान पाक में कोई तहरीफ भी नहीं है चेंज भी नहीं है और ये कोई मंजर से ग़ायब भी नहीं है तो जब पूरी किताब ती पारे महफूज हमारे सामने मौजूद हैं तो मुझे बताएं इसके अलावा हमने किसी और वही को क्या करना है कौन सी कमी इस वई में बाकी रह गई है जो किसी दूसरे ने दावा किया और उस वही के साथ उस कमी को पूरा किया और फिर देखें सबसे बड़ी तीसरी बात यह है कि रसूल पागल के जब आप हदीस को पढ़ते हैं तो आपने क़्यामत से पहले रूनमा होने वाले नज़ामी साहब बड़े बड़े अहम वाक़ात की तरफ भी इशारा किया है और छोड़ छोटे छोटे वाकत की तरफ भी इशारा किया पेशीन गुइयाँ है। हैं आपकी बिशारतें मिसाल के तौर पर आपने फरमाया हर सदी में एक मजद्द होगा आपने कहा मेरे बाद खुलफा होंगे का होगा हो अच्छा जो छोटे दर्जे की चीजें थी वो तो आपने क्लियर कट बता दी और नबुत जैसी जो अहमियत रखने वाला एक मौजूद था उसको आपने डिस्कस ही नहीं किया फिर देखें सबसे अहम तरीन बात यह है कि अगर ये सिलसिला जारी होना होता तो सिहाबा का दौर ताबीन और ताबीन का दौर कैसी मोटी सी बात मेरा ज़माना है तो अगर ऐसा कोई सिलसिला होता तो सबसे बेहतरीन जमाने में होता तो आप अकली तौर पर नकली तौर पर फलसफाना अंदाज में किसी भी रंग में अकीद खतम नबूत को देखें तो यकीन माने आपका यह दिल इस बात की गवाही देता है कि आपके बाद कोई ऐसी सोच रखना यह तो बिल्कुल दीन के तशख को खत्म करने वाली बात है ये दीन की है। जान अकीदा खत्म नबूत इससे अगर आपने रसूल देखें यह छोटी बात नहीं है निज़ामी साहब आपने ये कह दिया कि फला बंदा अल्लाह से हम कलाम होता है फलां बंदे पे अल्लाह की वही उतरती है फला बंदे पे अल्लाह का फरिश्ता आता है ये छोटा बोल नहीं है कितने आराम से कह दिया जाता है ये ये छोटा बोल नहीं है तो ये बहुत, बहुत बड़ा काला कुफर है जी रसूल वसम की नबूत के बाद ऐसा कोई जहन रखना और ऐसी कोई बात कहना और फिर म की बात यह है कि फिर कुरान और हदीस से खलवाड़ करते हुए वहाँ से दलाल ढूंढने की कोशिश करें ठीक है अच्छा सर एक क्वेश्चन मुझे मौसू हुआ है चूँकि हम गुफ्तु कर रहे हैं तो पूछा ही गया है कि क्या कोई शख्स बायक वक्त इमाम महदी मसी मऊद और नबी हो सकता है बिल्कुल नहीं ऐसे हो सकता अब यक वक़्त नहीं देखें दीन का अदन सा तालब इलम अपने सामने मिश्कामसाबी को रख लें और रसूल रामत सलातुअल ने इमाम मादी की आमद का ज़िक्र किया है इवन के बाज़ हसन दर्जा की रवायात में उनका नाम तक ही भी बतलायामतें भी बतलाई हैं सैद् मसीह मऊद हज़रत ईसा को कहते हैं मऊद का मानना जिनका वादा किया गया तो इनके बारे में वादा किया गया है कि अल्लाह ताला का ये मौजा है ये कुरबे क्यामत नजूल फरमाएंगे तो हज़रत ईसा के नजूल के हवाले से भी वाज रवायात हैं तो वो कहाँ उतरेंगे कैसे उतरेंगे बाज़ रवायात में यहाँ तक भी आता है वो कब तक अल्लाह की ज़मीन में रहेंगे क्या करेंगे वो भीत मौजूद हैं फिर नबूत के बारे में भी बताया गया यानी इमाम मादी अलग हैं मसीह मऊद अलग हैं नबूत अलग है अगर आप कोई एक शख्स ये कहे कि मैं मसीह मऊद भी हूँ और मैं जो महदी आना था वो भी हूं और मैं ये अल्लाह का नबी भी हूं यकीन करें इसको हम कहते हैं फो का जुलम अंधेरा पर अंधेरा पर अंधेरा यानी इससे यानी देखें ये ऐसे मुमकिन है कि कोई कहे कि ईरान भी एक है पाकिस्तान भी एक है कनाडा भी एक नहीं। है पॉसिबल नहीं पॉसिबल नहीं निशानियां अलग हैं शख्सियात अलग हैं उनकी अलामतें अलग हैं एक अदना तलब इलम भी इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है तो हो आलम जिन लोगों ने नबूत के साथ ऐसा को खिलवाड़ करने की कोशिश की है तो वो इस तरह की भी अजीब हरकतें करके दुनिया से गए हैं कि एक तलब इम एक, एक सरसी नज़र के साथ भी देखे तो उसको मालूम हो जाता है कि ये सवाए गुमरा ही के और कुछ नहीं है और कुछ नहीं अच्छा सर मैं चाहूँगा मुझे, मुझे मज़ीद अभी तशनगी ना रह जाए ज़रा मज़ीद इसके बारे में और हमें बताइए ताकि क़ीद ख़त्म नबूत के हवाले से बिल्कुल जो हम कहते हैं कि हमारा ईमान है हम इस पर बिल्कुल डिटर्मिन हैं और इसके बाद है भी नहीं है सर तो आप फरमाइएगा इसके बारे में देखिए जामि साहब सब कुछ तो हमने बड़े अख्तसार के साथ बयान कर दिया है और आखिर में बस कुछ तो चीहात हैं कि देखें ये सबसे बड़ा अल्लाह की ज़मीन पर मुनकर है इसको हमने रोकना है और अगर कोई ऐसा बंदा जिसने कोई माजी करीब में बैई में दावा किया या आंदा कोई ऐसा जुर्द करे इसका हमें सदेबाव करना चाहिए देखें अगर एक कलमा पढ़ने वाला बंदा किसी और की नबूत का कायल हो जाता है तो ये इरतदाद है वो इंसान मरतद है ठीक है तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो इरतदाद की दीन ने सज़ा मुतय्यन की है उस पर हमें गौर करना चाहिए उसको लागू करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस फितने का बाब हो और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें ये जो नबूवत का सिलसिला है ये कोई बजीचे अतफ़ाल नहीं है कि कोई बंदा करवट लेते लेते पहले ख़ुद को मुजद्दद कहे फिर खुद को मेहदी कहना शुरू कर दे फिर इस था इस था कहे नहीं जी मैं सारी ज़िंदगी बुला रहा हूँ मुझे अब पता चला है कि असल में मुझ पर वो फरिश्ता आता था, था तो ऐसे नहीं होता ये बशारतें होती हैं जैसे रसूल पागल की बशारत ना ईसा ने दी है ये बशारतों के सिलसिले होते हैं निज़ाम साहब मो के सिलसिले होते हैं और बड़े वाज ब्राह होती हैं और ये कोई ऐसा नहीं है ये जैसा बरसगर पाक विंद में ख़ास तौर पर एक नबूत को दागदार करने के लिए नपाक सिलसिला किया गया है तो हम इस हवाले से यही कहेंगे जी कि इस फितने को रोकना चाहिए और इसकी जो शरीत ने सजा मुतिन की है बिल्कुल उसको लागू करना चाहिए ये अल्लाह की ज़मीन पर सबसे बड़ा मुनकर है और तकलीफ़ दे बात यह है कि ये सारा कुछ किया जाता है कुरान से लेकर यानी ये है कि एक नबी खड़ा होता है वो फिर कुरान से साबित करता है देखें ये कैसी तकलीफ़ दे बात है कि एक साहब को कहा जी आप कहते हैं कि फ़लाँ अल्लाह के नबिया को दलील दें वह सूर्य फ़ाद है कहने लगे जी इस दिन असरातलमस्तकीम से उनकी नबूत सब होती है अल्लाह फ़क्तः इसको जिंदीत कहते हैं जिंदी आपने सुना ना जी काफ़र की छः पाँच छः किस्म उनमें उन से किस्म है जिंदी के जो कुरान की ऐसी तवील ताबीर तशरी और तफसीर पेश करता है कि जिससे मौक़ ही उल्ट हो जाता है ताबीर ही बिल्कुल गलत हो जाती है तो ये जो जनादिका हैं और कुरान सुन्नत के साथ खेलने वाले लोग हैं जी बस इनके मामलों को रोकने के लिए हमें कुछ हकूमत बाला से भी गुजारिश करनी ये चाहिए ये। और ख़ुद भी इस मामले में एक्टिव रहना चाहिए ठीक है आ, मैं चाहूँगा सर आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे आपकी शफकत है मोहब्बत आप हमें ख़ास तौर पर मोहब्बत से टाइम भी देते हैं कोई वजीफ़ा ज़रूर बता दें हमें कोई मोहब्बत के लिए मिठास के लिए लगन के लिए कीद ख़त में नबू बल्कि मैं ये कहूँगा कि नबी मक्रम सली वसलम से मोहब्बत दिन बदिन बढ़ती रहे डोज बढ़ती रहे लगन बढ़ती रहे हम इस पर कामिल ईमान अपना रखते हुए हम इसी पर कायम रहें कुछ बताइए इस पर अल्हदल्ला जी जहाँ तक तो मिठास और हलावत की बात है तो निज़ामी साहब इस पर ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह ताली ने हमें सच्चा और सच्चा दीन दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम गुनागारों को अल्लाह ताली नेद ख़त में नबोअत का मुहाफ़ बनाया है निगरान बनाया है और ये जो शैतान का बहुत बड़ा बहकावा है उससे अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसमें गिरफ़्तार हो गए समय से बाला तार है तो बाकी अगर आप अक़ीद खतम की अलावत और बिठास लेना चाहते हैं तो वो जो वजीफ़ा आता है ना सही मुस्लिम में जाम तिरमज़ी में मुस्रद अहमद बिन हम्बल में कोशिश करके आप उसको सुबह और शाम तीन तीन दफ़ा पढ़ लिया करें जी। वो बड़े शानदार क़लेमात आते हैं ऱीत विल्ला हिरब्बा अल व इस्लाम दीना वब महदिनबी सल्ला और एक रबाइस में आता है वबि मोहम्मद रसूल और ऱीत मैं अल्लाह ताला को अपना दाता रब मानकर दिल से खुश हूँ मुझे कोई और दाता को मुश्किल कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं मैं खुश हूँ अपने अल्लाह को अपना रब मान कर तो वो मेरा महूद भी है मेरा रब भी, भी है मैं खुश हूँ मबी इस्लाम दीन और मैं इस्लाम को अल्लाह का दीन मान के खुश हूँ मुझे और कोई निज़ाम नहीं चाहिए मुझे कोई और दीन नहीं चाहिए मैं इस्लाम पे खुश हूँ अगला टुकड़ा है वाब मोहम्मद नबिया और मैं हज़रत मोमदली वसम को अपना नबी मान कर खुश हूँ सुबह हज़रत मोहम्मद सल्लम को अपना रसूल मान कर खुश हूँ इस हदीस के बहुत से रसूल ने इस वजीफे के फ़ायद बयान किए हैं सबसे बड़ा एक वजीफ़ा फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ मामी लब्बानी राम नकल की है सही हदीस में क्या आपने फरमाया जो बंदा ये पढ़ता रहा होगा ल आख जन्ना बेदही सुम लुद खिलजन्ना उस बंदे को कल के आमत वाले दिन में अपने बाजू से पकड़ कर अल्लाह की जन्नत में ले जाऊँगा अकबर अल्लाह तो निज़ामी साहब जब हम रसूल पालाम को अल्लाह का नबी मान कर खुश हैं ना जी तो फिर मैं नहीं समझता कि बंदा आपके बाद भी ये नबूत वाला ताज किसी के सर पर रखे या ये कहे कि वो वो जिली नबूत वाले हैं या बूसी नबूत वाले हैं या कोई ए, कोई ख़त्म नबूत पर डाके की कोशिश करें ये तभी खराबियाँ होती हैं जब आपकी नबूत बंदा खुश नहीं होता तो जब हम आपकी नबूत पर खुश हैं तो पर हमें आपकी हदीस पे भी खुश होना चाहिए सुनत पर भी खुश होना चाहिए तो ये जो वजीफ़ा है ना जी अगर आप अकीदा ख़त्म नबूत की मिठास लेना चाहते हैं तो रोगीत बिल्ला व बिल इस्लामी दीना वबिल मोहम्मद नबिया इसको आप अज़ान के बाद भी पढ़ें सुबो शाम भी आप तीन दफ़ा पढ़ें और वैसे भी आप चलते फिरते कसरत के साथ पढ़ते रहें इसमें बड़ी खैर है एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं आप इतनी खूबसूरत चीज़ें हमें बताते हैं कि जिन पर चल के हम इनलाइटन हो सकते हैं चीज़ों को बड़ी रोशनी हमें मिल सकती है और हम दीन पे चलते हुए पता नहीं कौन सी मनाजिल भी तय कर सकते हैं जो अल्लाह ताला बेहतर जानता है ऐसी बहुत से हमारी ज़िंदगी में और भी मौसिन होते हैं जो हमें चुपके चुपके दुआएँ बता देते हैं जो हमें असकार बता देते हैं जो हमें दीन पे चलने के बारे में बड़ी रहनुमाई दे देते हैं तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ अच्छा सर अशफाक साहब कितना टाइम है अभी हमारे पास क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा अभी हमारे पास टाइम है सर आपकी इजाज़त से थोड़ा टाइम मैं और आपका लेना चाह रहा हूँ अगर हम चाहते हैं एक तो ये आपने दुआ हमें बताई अगर हम चाहते हैं कि हम डेली कुछ ऐसा करते रहें कि हमारे दिल में नबी की मोहब्बत वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा इनकी मोहब्बत उजागर रहे ऐसे जैसे हम जिस तरह उन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया दीन पे चलने का तरीक़ा बताया हम वो करते रहे चाहे थोड़ा ही करते रहे करते रहे इसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं देखें जामि साहब रसूल पाकाम की आप सीरत और नबूवत का अगर मुताला करें तो ये बात भी खत्म नबूवत पर बहुत बड़ी दलील है हमारा दीन रसूल पाक ने हमें दिया है वो दीन अखलाक है जी। दीन हमें आसानियाँ देता है दीन हमें खुशियाँ देता है कोई ऐसा दीनी जबता नहीं है जो को हमारी ज़िंदगी को तंग करता हो जो हमें बााहर कोई पाबंदी या तंगी नज़र भी आती है तो वो हकीक़त में हमारी हिफाजत होती है तो एक तो यह है कि रसूल पाकाम की सीरत बड़ी जामे है हमें ये जानना चाहिए कि हमारी सारी दुनिया आख़रत की फलाह इसी परायम है और इसमें सबसे बड़ी जो ग़ैरत की बात है जो मैं आखिर में अगर हमारे पास वक़्त बचा है तो नाजरन की ख़दमत करना चाहता हूँ साहब देखें एक बंदा क़बर पर सईदा करता है हजर पर सईदा करता है ग़ैरल्ला के नाम की नज़र न्याज देता है और साथ वो कहता है जी मैं अल्लाह को रब भी मानता हूँ अल्लाह को भी सईदा करता हूँ ठीक है ना जी रब उमीन भी अल्लाह है तो इसको हम कहते हैं शिरक़ ये उसका मानना उसके किसी काम नहीं आएगा ये एक बहुत बड़ा मुगालता है मैं उसका हल देना चाहता हूँ नवाले से प्लीज़ प्लीज. अब कुरश मक्का क्या करते थे वो हज भी किया करते थे वो अल्लाह को मुश्किल कुछ भी समझते थे अल्लाह को हज हुआ भी समझ लेकिन वो साथ साथ कहते थे कि इनके पास भी इख्तियार हैं ये करने धरने वाले सिर्फ़ इस शराकत की वजह से अल्लाह तबारक व ताली ने उनको दुनिया और आख़रत में नाकाम कर दिया इसी तरह अगर आज एक बंदा कोई बाज़ाह ये कहे जी नहीं जी नहीं हम रसूल ख़ातमनबी नहीं मानते हैं और कुरान को भी मानते हैं और हदीस को भी मानते हैं लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि ये भी अल्लाह के नबी हैं इन पे भी फरिश्ता आता है इन पे भी वही आती है तो इसके मान लेने के बाद ये जो रसूल ससम ख़ातमनबी उनका दावा है ना ये बिल्कुल बातल है ठीक इस शराकत के बाद उस इकरार का कोई फ़ायदा नहीं रहता ठीक है जिस तरह तोहद में शरक की आमेज के बाद तोहीद की अजमत बाकी नहीं रहती इसी तरह अक़द ख़त्म नबूवल में ख़ल डालने के बाद किसी दूसरे को खड़ा कर लेने के बाद एक पूरा निज़ाम बना लेने के बाद फिर वो रसूल अल्लाम की जो ख़ातम नबीन होने का दावा है या आपको नबी मानने का जो दावा है या आपके साथ जो मोहब्बत के दावे हैं वो सिरे से ख़त्म हो जाते हैं जिस तरह अल्लाह तबारक वाली अपनी के मामले में गैरतमंद है गैरत वाले इसी तरह अल्लाह तबारक रसूल अल्ला वसम की ख़त नबूत के मामले में भी गैरत वाले इसमें कोई शराकत किसी तरह भी गुवारा नहीं है सर कोई किताब मैं चाहता हूँ आप बता दीजिए ऐसी कि जिसको पढ़ा करें हम और नबूत के हवाले से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल वसम की मोहब्बत के हवाले से हम वो किताब पढ़ें तो हमारे लिए सहल हो हमारे लिए आसानियाँ हो देखें जी ख़ुम नबूत के हवाले से हमारे दोस्त हैं क्लास फैलो हैं बड़े प्यारे हमारे भाई हैं मदी हैं मौलाना ग़लम मुस्तफ़ा जहीर साहब हाफिज़ा तुमने ये माजी करीब में किताब लिखी है ख़त्म नबूत जी बहुत अच्छी किताब है कुरानी दिलायल हैं और अहदीत से दलायल हैं सल्फ़ साल उम्मत की उन्होंने दर्जनों अकवाल नकल कर दिए हैं और इसी तरह आप सीरत के हवाले से अगर पढ़ना चाहते हैं तो दारोलम ने सरत नबी के मौजू पर बहुत अच्छा लिखा है और हमें पढ़ते रहना चाहिए पढ़ते रहना चाहिए ये सीरत जो है ये हमारे मुताल में रहेगी तो हमारी ज़िंदगी में नूर रहेगा Exactly. अब हमारी ज़िंदगी में रसुल्ला की सीरत नहीं रहेगी तो यकीन हमारे यहाँ नूर ही नहीं रहेगा और इस वक्त ये जो गुमराही है इसकी वजह यह है कि हम सीरत से दूर हैं दूर जिसने भी दावा किया है मुसैलमा कजाब से आप शुरू हो जाए जितने भी दज्जाल कजाब गुजरे हैं तो आप उनकी निजी ज़िंदगी का मुाला करके देखें कि आप हैरान होंगे कि आप उनको एक नॉर्मल इंसान भी नहीं सबत कर सकते सेहतमंद इंसान भी नहीं सबत कर सकते चे जाए कि उनके सारत का ताज रख लिया अल्लाह वक्त पर ठीक है वेरी वेल सर सर मैं इसके साथ ही बहुत शुक्रिया आपका अदा करूँगा आप तशरीफ़ तो लाए और टॉपिक तो ऐसा है कि दिल ही नहीं करता कि हम ब्रेक लें लेकिन चूँकि हम वक्त के अच्छा ठीक है तो आ, इसमें हम गुफ्तु जितनी जितनी ज़्यादा हम कर सकें उतना ही मेरा दिल चाह रहा था हालाँकि मुझे बार बार कहा भी गया लेकिन चूँकि टॉपिक ऐसा था और आप जब आते हैं और फिर आते भी ज़रा मुश्किल से हैं तो मैं भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता था और आपको पता है लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मैसेजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम जो मैसेजेस आए हैं मुझे ख़ास तौर पर आपसे मोहब्बत करते हैं जी लोग अल्लाह तला आपको बड़ी बरकत दे जी जजाकल्ह जजाकल्ला थैंक यू वेरी मच जी इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मौलाना अब्दुलमनान रासिक साहब का कि वो तशरीफ़ लाए जाते जाते बस ब्रेक से पहले एक जुमला मुझे कहना है मैं मेरा माल मेरी जान मेरा सब कुछ नबी मकरम सल वसल्लम पे कुरबान और यही अकीद ख़त्म में नबूत है कि आप नबी मकरम सल्लल्लाहु अल्लाह वसम के बाद इस दुनिया में ना कोई नबी आएगा और अब ये सिलसिला रुक चुका है मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा